अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ महा आमिर और आपको खुश आमदीद करती हूँ हमारे आई हेल्थ के प्रोग्राम सेहत सबके लिए में। आज हम बात करने वाले हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर इन चिल्ड्रेन। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो अगर बचपन में सही से ट्रीट ना किया जाए तो बाद की ज़िंदगी में बच्चों को काफ़ी मसले मसाइल पेश आते हैं उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में, और स्पेशली बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करती है। इसी सिलसिले में आज का शो हमने रखा है जिसमें हम स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, उसकी थेरेपी के बारे में, उसके ट्रीटमेंट प्लान के बारे में बात करेंगे। फॉर दैट पर्पस वी हैव कॉल्ड रबीका अमानुल्ला जो कि एक लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपिस्ट हैं एट द कॉकलियर इम्प्लांट टीम एट इंटिस हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि स्पीच डिसऑर्डर होता क्या है। ओके, मैं सबसे पहले आई विल वॉन्ट टू स्टार्ट ऑफ विद के स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट करता क्या है। सो जो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट होता है उसके पास बेसिकली पेरेंट आता है, वो अपने बच्चे लेके आते हैं एंड लाके दे टेल अस दैट कोई इशू है। सो हम उसकी डायग्नोसिस कर रहे होते हैं कि वेदर इट्स अ स्पीच डिसऑर्डर या इट्स अ लैंग्वेज डिसऑर्डर और इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ। ठीक है, सो अगर तो स्पीच डिसऑर्डर है तो यानी कि क्लैरिटी ऑफ स्पीच में मसला होगा। ठीक है, लैंग्वेज डिसऑर्डर है तो कम्युनिकेशन अफेक्ट हो गए। ठीक है, एंड अगर दोनों हैं तो इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें इम्पेयर्ड होंगी। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी वर्क ऑन। तो अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीच डिसऑर्डर की बात करें तो एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है और एक स्पीच डिसऑर्डर। यस, और इसमें भी डू यू हैव मोर कैटेगरी? यस, स्पीच डिसऑर्डर्स के अंदर देयर इज स्टटरिंग, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स, वॉइस डिसऑर्डर्स, एप्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं दीज आर सम कॉमन स्पीच डिसऑर्डर्स। वेयर इज लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में अगर फेजिया हो जाए किसी को, ठीक है, स्ट्रोक के बाद, साथ में अगर किसी को जो है वो लैंग्वेज इम्पेयरमेंट होती है, सो लाइक बहुत दफ़ा ये वाली चीज़ होती है कि लैंग्वेज जो डेवलप हो रही होती है वो उस एज के हिसाब से डेवलप नहीं हो रही होती है, लेट हो रही होती है, तो जितना अगर तो वो लेट हो तो वो SLI कहलाता है, मतलब लैंग्वेज इम्पेयरमेंट कहलाती है, एंड अगर बहुत ज़्यादा डिले हो तो दैट मीन्स दैट इज़ अ लैंग्वेज डिसऑर्डर। ठीक है, सो इस तरह से स्पीच और लैंग्वेज की अलग अलग वो होते हैं। एंड देन देर इज़ अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से बच्चा इज़ डेफ, ठीक है, एंड ही कैन नॉट लिसन, तो फिर हमें स्पीच और लैंग्वेज दोनों के ऊपर काम करना पड़ता है इफ़ इट्स अ हियरिंग इम्पेयरमेंट का केस। सो अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे सबसे कॉमन डिसऑर्डर्स आपके पास क्या आते हैं? सबसे ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर्स जिसके लिए पेरेंट्स हमें रीच आउट कर जाते हैं दैट इज़ फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो कि माँ बाप को एकदम नज़र आ रहा होता है, दैट इज़ अ डिसऑर्डर डिसऑर्डर पर से, बट बाकी डिसऑर्डर्स आर वेरी ओवरलुक्ड। ठीक है, अगर बच्चा स्टटर कर रहा होता है तो वो ये वाली होती है कि जी इस उम्र में ठीक हो जाएगा। ठीक है, बच्चा अगर देर से बोल रहा है तो अक्सर बेशतर डॉक्टर्स तक कह देते हैं कि अच्छा 4 साल का हो गया अभी तक नहीं बोल रहा, 5 साल पर बोलने लगेगा। ठीक है, क्या कहते हैं, अगर तुतलाता है और वो सारी चीज़ें हैं तो इसका बाप भी ऐसे ही बोलता था, थोड़े ऐसे में ठीक हो गया था तो ये भी ठीक हो जाएगा। सो लाइक बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड कि अक्सर कौन सी एज के ऊपर कौन सी चीज़ को ठीक हो जाना चाहिए, सो विच क्रिएट्स अ गैप जिसकी वजह से बहुत ओवरलुक हो जाते हैं। टू क्लैरिफाई दैट पॉइंट, व्हाई डोंट यू टेल कि एक्चुअली किस एज तक क्या क्या चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, किस एज तक बच्चे को बोलना चाहिए? सो एक्चुअली बाय द एज ऑफ 1 ईयर बच्चे को एटलीस्ट 1 वर्ड के अंदर कम्युनिकेट करना ही करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वर्ड शुड बी देयर बाय द एज ऑफ 1। ठीक है, बाय द एज ऑफ 2 ही शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इन 2 वर्ड्स। ठीक है, बाय द एज ऑफ 3 फ्रेजेस के अंदर वो बोल के अपनी बात समझा सकता है एंड ही शुड बी मूविंग टुवर्ड सेंटेंसेस। सो दैट इज़ द टाइम लाइन जो कि हम पेरेंट्स को जनरली दे रहे होते हैं। और अगर इससे आगे पीछे होता है देन देयर देन देयर इज, यस एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा इफ़ यू टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ स्पीच डिसऑर्डर्स, तो ये जेनेटिक कॉजेज होती हैं या ये टाइम के बाद भी बच्चा? सो एक्चुअली देयर आर वेरियस थिंग्स इन्वॉल्व्ड। सो लाइक जैसे येस इट्स जेनेटिक, सो लाइक अगर स्टटरिंग को देखा जाए तो बहुत वो जेनेटिकली होता है कि बाप स्टटर करता था तो बच्चा स्टटर करता है, तो भाई स्टटर करता था तो वो होता है, बट इट्स ऑल्सो इन्वायरमेंटल एज वेल।
ठीक है. सो एनवायरमेंटल प्रेशर, जैसे हमारी अब आजकल की जो डेली लाइफ है इट्स वेरी स्ट्रेसफुल राइट नाउ, फॉर श्योर. यस ठीक है. तो हमारे यहाँ वी आर ऑलवेज इन अ रश, सो वी आर जस्ट लाइक जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या बोलना है क्या बोलना है क्या बोलना है. सो हम इतना प्रेशर डाल रहे होते हैं बच्चे के ऊपर दैट दे स्टार्ट स्टटरिंग. अच्छा, दैट्स इन रियलिटी दैट हैपेंस. सो इन दैट मोमेंट तो हमें फिर पेरेंट्स को हमें ये काउंसिल करना पड़ता है कि दे नीड टू काम डाउन, दे नीड टू गिव द चाइल्ड सम टाइम टू रिस्पॉन्ड. ये नहीं कि आप इतनी रश में रहें कि वो बच्चा जो है वो क्या कहते हैं उस रश को अपने दिमाग में बिठा ले एंड ही इज जस्ट लाइक कि मैं तो बोलूँगा तो इन लोगों के पास टाइम ही नहीं है सुनने का. दे कम्स अ पॉइंट इन टाइम दैट दे गो क्वाइट. सो सिलेक्टिव म्यूटिज्म के केसेस बहुत होते हैं विच इज़ अ काइंड ऑफ अ लैंग्वेज डिसऑर्डर. सो सिलेक्टिव म्यूटिज्म हो जाता है बच्चों को. ठीक है. सो मतलब दैट इज़ ऑल्सो कि वो इनके साथ बोलता है और इनके साथ नहीं बोलता. ठीक है. सो ये वाली चीज़ भी बहुत आती है. सो मतलब हमें फिर इन्वायरमेंट के ऊपर काम करना पड़ता है. विद इन आवर थेरेपी फोकस इज ऑन इन्वायरमेंट, क्या हमें इन्वायरमेंट को वो करना पड़ता है कि इन्वायरमेंट को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं. अच्छा, इफ़ यू टॉक अबाउट द रिस्क फैक्टर्स के अगर जेंडर इम्बैलेंस की इसमें बात करें कि कुछ खानदानों का एक ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर लड़का पैदा हुआ है तो लड़का जो है वो देर में बोलता है, लड़कियां जल्दी बोलती हैं. yeah. तो इस चक्कर में काफ़ी ओवरलुकिंग ऑफ दिस एंटायर प्रॉब्लम का चांस है, बिकॉज मे बी वो जल्दी देर से बोलना वाला सिनेरियो नहीं है, मे बी बच्चे को एक्चुअली कोई स्पीच डिसऑर्डर है. सो एक्चुअली मेल्स आर मोर प्रोन टू स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स. दे एक्चुअली आर. सो वो होता यही है कि वो इसीलिए कहा जाता है कि लड़के तो देर से ही बोलते हैं. ठीक है. दैट इज़ द माइंड सेट जो कि हमारे आई थिंक बहुत पीछे से आ रहा है कहीं से कि जो है वो लड़के तो क्योंकि देर से ही बोलते हैं सो वो तो देर से ही बोलेंगे. ठीक है. वो इसको वो नहीं करते कि वो जो देर से बोलना है दे माइट बी कॉजिंग इट अ लैंग्वेज डिसऑर्डर. सो इवन एंड उसके बाद एक ये वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा आती है कि क्योंकि वो लोग इतना माइंड सेट उनका भरा हुआ होता है ना कि लड़का है देर से बोलेगा और वो सारी चीज़ें होंगी कि इवन वेन दे आर डायग्नोस्ड विद अ लैंग्वेज डिसऑर्डर दे आर पेरेंट्स आर इन डिनाइल. दे डोंट टेक इट सीरियसली सेइंग कि ऐसे ही चलता आता है. ऐसे ही चलता आता है, ये बोलेगा तो जब बोलेगा तो फिर पूरा बोलेगा. विच इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम बिकॉज इससे एक बच्चे का कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा लेटर इन लाइफ अफेक्ट हो सकता है, यू नो प्रोफेशनल लाइफ में स्पेशली. ऊपर से बच्चा कितना फ्रस्ट्रेट होना कि वो अपनी बात समझा नहीं पा रहा. एग्जैक्टली. नो दैट दैट्स अ प्रॉब्लम. सो दैट इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है. फिर क्या होता है कि दैट द चाइल्ड इज हिटिंग और ये और वो, फिर और बच्चे उसके साथ खेलना नहीं चाह रहे और बच्चे उसको अवॉइड कर रहे हैं. आप बच्चे को बाहर नहीं लेके जा रहे क्योंकि आप भी अवॉइड कर रहे हैं कि भाई ये वहाँ जाके रिएक्ट करेगा और वो सारी चीज़ें. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट अराइज के आपने इनिशियली इसको वो नहीं किया, आपने केटर नहीं किया. ओके सर, इफ़ वी टॉक अबाउट द साइंस, तो कौन से साइंस हमें बचपन में देखने चाहिए? जैसे एक डिलेड स्पीच दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कि अगर एक एक साल में एक वर्ड नहीं बोल रहा, दो साल में दो वर्ड नहीं बोल रहा, तब वी शुड बी अ बिट वॉर्न्ड कि मे बी देयर इज अ प्रॉब्लम. इसके अलावा कौन से ऐसे ऑब्जर्वेबल साइंस हैं जो पेरेंट्स को देखने चाहिए? ओके, सो देयर आर सम डिसऑर्डर्स एज वेल. ठीक है. सो लाइक देयर इज ऑटिज्म, देयर इज डाउन सिंड्रोम, देयर इज अदर विलियम टर्नर सिंड्रोम एंड डिफरेंट सिंड्रोम्स एज वेल. सो एक्चुअली जो चीज़ होती है ना दैट इज़ लैकिंग द मोस्ट इन पाकिस्तान दैट इज़ पीडियाट्रिशियन के साथ प्रॉपर अपॉइंटमेंट्स. ठीक है. चाइल्ड आपका बच्चा आपका डिवेलपमेंटली प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा ऑन टाइम, ये आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है. सो यूजली होता यह है कि जब अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई सिंड्रोम हो, नॉट नेसेसरीली कोई सिंड्रोम ही हो, यूजली नॉर्मल बच्चे भी बहुत दफ़ा ये वाली चीज़ होती है कि कुछ डिलेड होते हैं. ठीक है. अगर उनके मोटर माइलस्टोन्स डिलेड हों तो उनके स्पीच एंड लैंग्वेज माइलस्टोन्स भी डिलेड आते हैं. सो दैट इज़ वन थिंग जो कि हमें लुक आउट करना पड़ता है. और मोटर माइलस्टोन्स के लिए किससे विजिट कर सकते हैं? पीडियाट्रिशियंस. पीडियाट्रिशियंस के इनिशियली फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि पीडियाट्रिशियन से आपका पूरा एक रेजिमेन चल रहा हो जो कि मॉनिटर कर रहा हो कि आपकी बच्चे की गर्दन कब ठहरी, सो बच्चे ने बैठना कब शुरू किया और बच्चों ने चलना कब शुरू किया. सो ये सारी चीज़ें पीडियाट्रिशियन का मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इफ़ देर इज़ एनी डिले एनी ऑफ दैट तो ये कि उसको करेक्ट रेफरल देना. ठीक है.
कि किस वजह से हो रहा है उसको डायग्नोज करना, फिर उसके बाद करेक्ट रेफरल देना एंड लाइक ओवरकम इट एज सून एज पॉसिबल. तो ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती. अच्छा, अब हम बात करेंगे स्पीच थेरेपी के बारे में, जो कि ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं उन बच्चों के लिए जिनको स्पीच डिसऑर्डर और लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है. सो सबसे पहले तो यही सवाल है कि इसका जो थेरेपी का पूरा प्रोसेस होता है, इट्स पार्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट प्रोसेस, इसको मेडिकली भी या सर्जिकली भी देखा जाता है या फिर सिर्फ इसकी थेरेपी होती है? सो एक्चुअली अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पेशेंट आया है एंड उस पेशेंट का हम स्पीच असेसमेंट कर रहे हैं एंड वी सी के द टंग हैज़ लिमिटेड मोबिलिटी, ठीक है, जबान ज़्यादा मूव नहीं करी है, सो वॉट वी विल डू इज वी विल रेफर देम टू वी विल असेस एंड वी विल सी के कोई टंग टाई तो नहीं है. Okay. Because if we see a tongue tie, that is the time we will send them to an ENT or ENT will cut it out for us. वो surgically remove करेगा और उसके बाद they will send us the child back and उसके बाद फिर हम उसकी therapy start करेंगे. Okay. ठीक है, so वो surgically हो जाता है, but वैसे जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं it's all therapeutic. थेरेपी का प्रोसेस, द मेजर थिंग दैट स्टार्ट्स द थेरेपी इज कि आपकी आपका इंटरव्यू कैसा है. ठीक है, सो फर्स्ट द चाइल्ड कम्स इन विद द पेरेंट्स, द फर्स्ट सेशन इज ऑफ इंटरव्यू सेशन. उसमें हम जितनी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, जैसे कि हमें ये पता चल जाए कि बच्चे की एज क्या है, करेक्ट एज, बच्चे की गर्दन कब ठहरी, बच्चे ने बैठना कब शुरू किया, बच्चे ने चलना कब शुरू किया, वॉट इज़ द चाइल्ड ईटिंग, बिकॉज फीडिंग इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद स्पीच. क्योंकि हमारे जो खाने के पट्टे होते हैं दे आर सिमिलर टू द वंस जो कि हम बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो आई फीडिंग के मसल्स और स्पीच के मसल्स आर द सेम. ठीक है, सो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है कि हम फीडिंग को भी कैटर कर रहे होते हैं एज अ स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट. तो जब हमारे पास तो हम उसके अंदर ये देख रहे होते हैं कि बच्चा क्या खा रहा है, किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, अपनी बात किस तरह से कर रहा है. एंड जनरली हम फर्स्ट सेशन के अंदर ना वी लेट द चाइल्ड कम्युनिकेट. सही है, वो अब अगर फॉर एग्जांपल उसको वहाँ पे पड़ी हुई कोई गाड़ी नज़र आ रही है, ठीक है, अब वो ख़ुद से उठा लेता है, वो अपने अम्मा अब्बा को देखता है कि वो उठा के दें, वो किस तरह से उन्हें कम्युनिकेट करता है कि मुझे वो गाड़ी चाहिए. ठीक है, सो दैट इज़ द फर्स्ट सेशन जो कि हमारा होता है, जो कि काइंड ऑफ एन असेसमेंट सेशन हो जाता है. उसमें हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और थोड़ा सा असेस कर लेते हैं. द सेकेंड सेशन वी लेट द चाइल्ड प्ले फ्रीली एंड लाइक वी लेट द पेरेंट्स इंटरेक्ट विद द चाइल्ड एंड लाइक वी आर क्लोजली ऑब्जर्विंग द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड हाउ दे आर इंटरेक्टिंग. ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो सके कि घर का माहौल कैसा है. ठीक है, बिकॉज वो हम घर तो नहीं जा रहे ना, तो हमें वहीं से आइडिया करना है कि वो घर के ऊपर बच्चे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करें. सो लाइक बच्चे के ज़रा से इशारे के ऊपर उनको उसको चीज़ मिल जाती है और आर दे वेटिंग फॉर द चाइल्ड टू स्पीक. ठीक है, क्योंकि अक्सर वेशतर ये भी इश्यूज आते हैं कि बच्चा इसलिए नहीं बोलता बिकॉज ही डज नॉट फाइंड अ नीड टू स्पीक. ठीक है, इट्स ईजियर फॉर हिम कि मैंने जैसी पॉइंट किया मुझे मिल गया. ठीक है, तो वॉट इज़ द पॉइंट कि मैं कुछ बोलूँ, वाई शुड आई एग्जर्ट मोर एनर्जी जब मेरी बात समझ रहे हैं. सो देर इज़ नो पॉइंट कि मैं कुछ मेहनत करूँ. सो दैट इज़ समथिंग दैट वी आर ऑब्जर्विंग एंड हाउ द पेरेंट्स आर रिएक्टिंग टू व्हाट द चाइल्ड इज सेइंग. ठीक है, वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, वो उसकी बात फौरन सुन रहे हैं, वो उसकी बात के ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं. सो दैट इज़ ऑल वी आर नोटिसिंग इन द सेकेंड सेशन एंड देन वी स्टार्ट ऑफ विद थेरेपी जब हमारे पास असेसमेंट के रिजल्ट आ जाते हैं. ठीक है, सो नाउ वी नो के अच्छा देर डिफरेंट टेस्ट दैट वी कैन बी कंडक्टेड बट सारे के सारे टेस्ट आर अमेरिकन बेस्ड. सो अब उसके बाद जो ये वाली चीज़ हमारे लिए जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी लिटरेट नहीं होती. ठीक है, जब लाइक अगर उसके अंदर सेंटा बना हुआ है तो वो कल्चरली अप्रोप्रिएट नहीं है. ठीक है, सो जब वो कल्चरली अप्रोप्रिएट नहीं होते ना वो टेस्ट, तो फिर बच्चे जो हैं वो उन टेस्ट के अंदर जो रिजल्ट्स आते हैं ना दे आर नॉट स्टैंडर्डाइज देन. सो हमें उसको थोड़ा इन्फॉर्मली करके हम उसको असेस कर सकते हैं कि ओके वेदर दिस चाइल्ड लाई एंड फिर उसके बाद हम उसकी थेरेपी उस हिसाब से शुरू कर लेते हैं. सो आप इसमें टूल्स क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे यू टॉक्ड अबाउट द टेस्ट के सेंटा बना हुआ है, सो लाइक दिस इज अ फिजिकल टेस्ट आई एम अस्यूमिंग, इसके अलावा क्या क्या टूल्स होते हैं? सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स, देयर आर डिफरेंट चेकलिस्ट जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं. फॉर स्टार्टिंग देर इज़ अ चेक लिस्ट, फॉर वॉइस डिसऑर्डर देर इज़ अ टेस्ट दैट इज़ सर्ज रेशियो.
सिर्फ और सिर्फ उससे हम वो कर लेते हैं कि वेदर इट्स अ नोड्यूल या क्या है, और वो सारी चीज़ें हैं. लैंग्वेज के देर डिफरेंट टेस्ट, सो लाइक देर इज़ PLS, प्री स्कूल लैंग्वेज स्केल. सो हमारे इस तरह के टेस्ट होते हैं, सेल्फ होता है, ये सारे टेस्ट होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, बट सेम कल्चरली अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं, तो हमें थोड़ा सा इशू आता है. सो इनफॉर्मल असेसमेंट हम बहुत करते हैं. सो लाइक फॉर एग्जांपल वी गेट नॉर्मल जो नॉमिनल्स होते हैं हमारे पास, जो डेली लिविंग के कार्ड्स होते हैं, सो एप्पल, बॉल, बनाना, सो वी जस्ट लाइक व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, एंड द चाइल्ड जस्ट हैव टू नेम. ठीक है, सो बच्चा कितना नेम कर रहा है, जो बच्चा अगर नेम में, सो अगर इट्स अ स्पीच डिसऑर्डर, सो मे बी ही विल से एप्पल को पैपल. ओके, सही है, सो दैट इज समथिंग, और जस्ट ऐप. ठीक है, सो वी विल नो, ओके सही है. नाउ गोइंग अहेड, बॉल को ऑल, सो ओके, सो दैट इज समथिंग प्रोबेबली समथिंग स्पीच रिलेटेड. एंड इफ इट्स लैंग्वेज का है वो एक केस, तो फिर प्रोबेबली हो सकता है दैट ही डज नॉट नो व्हाट इज एप्पल. इसीलिए हमें थोड़ा सा बाइलिंगुअल भी होना पड़ता है. सो लाइक जैसी हम वो कर रहे होते हैं तो हम इसको उर्दू में भी कर रहे होते हैं, ये क्या है, इससे हम क्या करते हैं, हम इसको खाते हैं, सो लाइक समथिंग लाइक दैट, तो हम इसको इस तरह से भी कर लेते हैं. अच्छा, इससे पहले आपने पेरेंटिंग की बात की कि हाउ द पेरेंट्स रिस्पॉन्ड टू द चाइल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उस हिसाब से ही बच्चा अपनी स्पीच पे उतनी एफर्ट्स डालता है. सो घर पे पेरेंटिंग अम्मा अब्बा को किस तरह करनी चाहिए कि उनका बच्चा इन स्टेजेस से ईजिली गो थ्रू कर जाए? सो एक्चुअली द थिंग इज दैट फर्स्ट इज द एक्सेप्टेंस, द फर्स्ट थिंग इज द एक्सेप्टेंस कि कोई मसला है. दे नीड टू अंडरस्टैंड, एक तो दे नीड टू बी अवेयर कि वो उसको वॉच आउट करें, ठीक है, कि कोई इशू आ रहा है. एंड वंस दे आर अवेयर ऑफ इट, तो फिर उसके बाद दे नीड टू ब्रिंग देम टू अ प्रॉपर थेरेपिस्ट, ताकि वो असेस हो जाए, दे नो कि क्या इशू आ रहा है. एंड देन कम्स द एक्सेप्टेंस, कि वो एक्सेप्ट करें कि इशू है क्या. बिकॉज सबसे ज़्यादा जो मसला आता है ना, वो ये आता है कि पेरेंट्स आर इन डिनायल, दे आर स्टिल ब्रिंगिंग द चाइल्ड इन फॉर थेरेपी बट दे आर स्टिल इन डिनायल. तो वो जब डिनायल के अंदर ही होता है ना, तो फिर वो उसके साथ उस तरह से काम नहीं कर पाते जिस तरह से उन्हें करना चाहिए. ठीक है, एंड लाइक हम जो थेरेपी का प्रोसीजर होता है ना, इट्स पेरेंटल ट्रेनिंग. सो हम पूरा पेरेंट्स को ट्रेन कर रहे होते हैं हाउ टू वर्क विद द चाइल्ड एट होम. सो लाइक अगर आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, लाइक दे आर नॉट गिविंग यू टिप्स एंड ट्रिक्स टू वर्क एट होम, आई थिंक इट्स टाइम टू चेंज द थेरेपिस्ट. ठीक है, बिकॉज वो आपको सेशन ऑब्जर्व करके देखना पड़ेगा. आप स्पीच थेरेपी के लिए बच्चे को आप हफ्ते में एक दफ़ा ले जाएंगे, दो दफ़ा ले जाएंगे? ठीक है, दो दफ़ा आप ले गए फॉर हाफ एन आवर, दैट इज़ नॉट इनाफ. बच्चा सारा दिन ही इज़ लर्निंग, वो तो अपने लर्निंग फेज में होता है ना. सो फॉर दैट पर्पज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ बाप को दोनों आर इक्वली इन्वॉल्व्ड, कि वो दोनों इक्वली इन्वॉल्व हों थेरेपी के प्रोसीजर में, एंड दे नो हाउ टू वर्क विद अ चाइल्ड. उसको किस तरह से कब उसके बिहेवियर्स को किस तरह से कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, किस तरह से उसकी स्पीच को अंडरस्टैंड करना है, किस तरह से उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है, जब वो कम्युनिकेट कर रहा है तो किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, कौन से अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं, कौन से अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स नहीं है, व्हेन इज़ द टाइम टू रीइंफोर्स द बिहेवियर, व्हेन इज़ द टाइम नॉट टू रीइंफोर्स द बिहेवियर. सो दीज आर द थिंग्स जो कि थेरेपी के अंदर सिखाई जा रही होती है एट ऑल टाइम्स. सो ये इसलिए जो है ना, वो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है. एंड अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व ना हो थेरेपी के अंदर, दे कैन ब्रिंग द चाइल्ड इन फॉर लाइक 6-7 years, देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी मिनिमल रिस्पॉन्स इन द चाइल्ड थेरेपी. बिकॉज जाहिर है, आप एक थेरेपिस्ट एक टाइम फ्रेम के अंदर जितनी मेहनत कर सकता है वो उतनी मेहनत कर रहा है. इफ देयर इज नो कैरी ओवर एट होम, देयर इज नो पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग द चाइल्ड फॉर थेरेपी. इट्स लाइक आपको डॉक्टर ने दवाई तो प्रिस्क्राइब कर दी है, बट यू आर नॉट टेकिंग द मेडिसिन, यू आर गोइंग टू द डॉक्टर एवरी टाइम. सो लाइक आप दवा क्योंकि ले नहीं रहे घर पे, ठीक है, आप वहाँ जाते हैं, आप इंजेक्शन लगवा के आ जाते हैं. सो लाइक इट्स लाइक आपको थोड़ी देर के लिए पेन रिलीव हो गया, बट आप दवा क्यों नहीं ले रहे, तो यू आर गोइंग टू द डॉक्टर अगेन एंड अगेन. सो ये वाली चीज़. एंड सिंस पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली कल्चर भी इतना ज़्यादा है कि आई एम श्योर इट्स नॉट ओनली द पेरेंट्स, लेकिन पेरेंट्स के अलावा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सिचुएशन में, दे शुड ऑल्सो बी इन्फॉर्म. एग्जैक्टली, जिसका एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर कहें तो वो पेरेंट्स ही होंगे. बिल्कुल, मोरी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करे होते हैं. एंड यूजली एट टाइम्स हमारे यहाँ, क्योंकि दादा दादी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है,
हमारे दादा दादी आर द वंस जो के दैट आर स्पॉइलिंग द चाइल्ड ना, तो हमारे यहाँ फिर हम उनको फिर बुलाते हैं, वी मेक श्योर दैट वी कॉल देम इन फॉर अ सेशन एंड लाइक वी आर काउंसिल देम के ये इस तरह से है एंड इस तरह से आपको करना है बच्चे के साथ, और मतलब सो दे आर अवेयर एज वेल कि अगर इफ़ दे आर स्टिल पैम्परिंग द चाइल्ड एंड लाइक स्टिल गोइंग अहेड विद एवरीथिंग दे वर डूइंग प्रीवियसली, दे नॉट एक्चुअली फैसिलिटेटिंग द चाइल्ड एनी मोर, दे आर एक्चुअली डूइंग मोर हार्म, एग्जैक्टली सो दैट इज़ समथिंग जो कि हमें बहुत वो करना पड़ता है। ठीक। अब हम बात करेंगे इंडस हॉस्पिटल के इनिशिएटिव की, बिकॉज इंडस हॉस्पिटल 2007 से अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसमें वो मुफ्त इलाज करता है बिल्कुल सारे पेशेंट्स का, व्हिच इज़ अ वेरी बिग थिंग इन दिस टाइम, बिकॉज आजकल के ज़माने में प्रॉपर क्लिनिक जाना या मेडिसिन सपोर्ट करना इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। तो आप इंडस हॉस्पिटल के इनिशिएटिव के बारे में बताएं जिसमें स्पीच थेरेपी स्पेशली होती है। सो ओके इंडस हॉस्पिटल में स्पीच थेरेपी स्टार्टेड अराउंड 6 years अगो, इट्स बिन 6 years, 6 साल से वहाँ पे, एंड विद टाइम तो जो हमारे पास नंबर ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट हैं वो बढ़ते गए हैं, सो नाउ इट्स अ प्रिटी बिग डिपार्टमेंट, वी स्टिल हैव अ वेरी फ्यू स्लॉट्स बिकॉज इट्स दो इंडस हॉस्पिटल इज़ द ओनली हॉस्पिटल दैट इज़ प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट स्पीच थेरेपी, सो क्योंकि बाकी कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी क्वालिटी थेरेपी दे रहा हो, सो हमारे पास इन्फ्लक्स पेशेंट्स का बहुत है, सो वी हैव अ वेरी ह्यूज वेटिंग लिस्ट एट द इंडस हॉस्पिटल, सो वी आर ट्राइंग टू फैसिलिटेट एज मैनी पेशेंट्स एज पॉसिबल जितना हमारे पास टाइम होता है उसमें और वो सारी चीज़ें, सो इवन वी स्टार्टेड ऑफ विथ टेली थेरेपी टू फैसिलिटेट एज मैनी पेशेंट्स एज पॉसिबल, सो ये था। सो हमारे पास जो है जब पेशेंट आता है तो हम उसको एक तो हम इसको इस चीज़ का बहुत वो करते हैं कि उनको पाबंदी से आना पड़ेगा, Which is ठीक a है, huge problem, I would यस say. क्योंकि लोग ठीक है, follow up नहीं करते फॉलो तो अप नहीं करते फायदा हैं, नहीं ठीक होता। है, एंड स्पेशली व्हेन द पेशेंट इज़ कमिंग फ्रॉम इंटीरियर सेंथ और फ्रॉम अनदर सिटी, सो फॉर देम इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ फॉलो अप, ठीक है, सो फॉर दोज पीपल वी स्टार्टेड ऑफ विथ टेली थेरेपी, बट बाकियों के लिए जो कराची बेस्ड हैं या जो आ सकते हैं देखिए कम्यूनिटी इजिली, उनको हम ज़्यादातर फिर हम इसी तरह से देख रहे होते हैं दैट दे आर कॉल्ड इन ऑन अ वीकली बेसिस, हम वीकली बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं या मंथली बेसिस के ऊपर कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिवेरिटी ऑफ द चाइल्ड, सो ये वाली चीज़ हो जाती है। अच्छा, इवन दो ये सब इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, दिस हॉस्पिटल इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब, बट स्टिल यू नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन जिनको ये डिसऑर्डर होता है हमारी सोसाइटी में, और ये रेट भी बढ़े जा रहा है देखा जाए तो, ये ख़त्म नहीं हो रहा। सो अकॉर्डिंग टू यू क्या मसले है, क्या चैलेंजेस हमें आते हैं जिसकी वजह से यू नो वी स्टिल हैव अ पूल ऑफ पीपल लाइक दैट? ओके सो वन ऑफ द मेन रीज़न जो कि ये चैलेंजेस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हमारे पास इस तरह के पेशेंट का इन्फ्लक्स इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है इज़ स्क्रीन टाइम। हमारे पास पेरेंट्स के पास आजकल टाइम नहीं है अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए। प्रीवियसली अगर हमारे पास देखा जाए तो जो हमारे बड़े बूढ़े होते थे दे यूज़ टू सेट विद अस एंड लाइक हमसे बातें करते थे, दे यूज़ टू टेल अस स्टोरीज एंड स्टफ एंड लाइक इंटरेक्ट होता था एंड लाइक एवरीबडी यूज़ टू सेट अराउंड एंड लाइक टॉक और वो सारी चीज़ें। अब वी आर ऑल इन सच अ रश कि बच्चा अगर रो रहा है और खाना खिलाना है तो वो जल्दी जल्दी में उसको बस मोबाइल पकड़ाया एंड लाइक वी आर जस्ट फीडिंग द चाइल्ड और वो सारी चीज़ें, दैट इज़ जस्ट वन वे कम्युनिकेशन, द चाइल्ड इज़ जस्ट लिसनिंग, वो सिर्फ सुन रहा है वो बात नहीं कर रहा, तो जब वो बात नहीं कर रहा तो ही डज नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट, सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न। देन देर इज़ फैमिली मैरिज, सो कज़िन मैरिज इज़ समथिंग जिसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैमिली के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं। मैं वर्किंग इन द कॉकलियर इम्प्लांट प्रोग्राम आई विल से मेरे पास अराउंड 87% पॉपुलेशन जो डेफ है दैट इज़ बिकॉज ऑफ कज़िन मैरिज, That's a huge number. दैट इज़ अ प्रिटी ह्यूज नंबर, सो देर इज़ अ रिसर्च दैट ऑल्सो प्रूव्स के कज़िन मैरिज की वजह से देर आर लॉट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स जो कि ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, सो जेनेटिक्स इज़ प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल इन ऑल ऑफ दिस। सो अवेयरनेस आई वुड से इज़ द की टू ऑल दिस, कि एग्जैक्टली अवेयरनेस होनी चाहिए।
जस्ट टू एंड दिस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो, एंड बहुत इन्फॉर्मेटिव पूरा सेशन रहा है. एंड फिर भी अगर आप लोग के कोई सवाल, कोई कॉमेंट्स या कोई भी मिसकंसेप्शन और एनी थिंग, आप हमें कॉमेंट में लिख सकते हैं, आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट शो हम ट्राई करेंगे कि हम उसे इनकॉर्पोरेट करें. इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ लास्ट मैसेज टू आर ऑडियंस, यू माइट डू इट नाउ. सो एक्चुअली व्हाट आई वुड लाइक टू से इज़ के अर्ली इंटरवेंशन इज़ एक्चुअली द की. सो जितना जल्दी बच्चा डायग्नोस होगा, जितना जल्दी आप लोग उसको रियलाइज़ करेंगे, उसकी डायग्नोसिस कराएंगे, उसकी ट्रीटमेंट शुरू कराएंगे, उतना जल्दी वो इशू रिजॉल्व हो सकता है, एंड उतना जल्दी वो बच्चा जो है वो सेटल हो सकता है इन आवर डेली लाइफ. सो उसको आई विल से जस्ट वॉच आउट फॉर ऑल द साइंस एंड सिम्टम्स. अगर कोई भी चीज़ इस तरह की लग रही हो दैट इज़ अ लिटल ऑफ, जस्ट गो टू द पीडियाट्रिशियन, टॉक टू योर पीडियाट्रिशियन, टॉक टू अ डॉक्टर, टेक एन अपॉइंटमेंट विद एन SLT, गो सी एन SLT. देर इज, इन सारे रेफरल्स के पास जाने में देर शुड बी नो शेम. आपको कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है कि हाय हम अपने बच्चे को किसी साइकोलॉजिस्ट के पास कैसे लेके जाएँ, हाय हमारे बच्चे को हम किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास कैसे लेके जाएँ, हाय इसको बार बार डॉक्टर के पास ले जाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप लेके जाएँ, ले जाके जितना आप इसको वो करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपके बच्चे के लिए रहेगा. बिल्कुल सही बात है, और जितना सीरियसली हम लेंगे उसी तरह हम अपने बच्चों का एक अच्छा फ्यूचर, अच्छा हेल्दी फ्यूचर जो है वो दे सकेंगे उनको. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और एज आई सेड बिफोर ऑल्सो कि आपके कोई भी कॉमेंट्स या कोई भी सवाल आते हों सो यू कैन ऑलवेज राइट टू अस. अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, और इन सब चीज़ों को जितना शेयर कर सकते हैं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके यहाँ ये मसला नहीं हो लेकिन किसी और के यहाँ ये मसला हो, जो आपके सिर्फ शेयर करने से या अवेयरनेस बढ़ाने के की वजह से किसी की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.